वह लड़का स्कूल जाएगा. He will go to school. वह लड़का स्कूल नहीं जाएगा. He will not go to school. क्या तुम स्कूल जाओगे? Will you go to school? क्या वह स्कूल नहीं जाएगा? Will he not go to school? या won't he go to school? वह लड़का स्कूल कब जाएगा? When will he go to school? वह लड़का कहाँ जाएगा? Where will he go? वह लड़का कहाँ नहीं जाएगा? Where won't he go? या where will he not go? फ्रेंड्स, वी आर लर्निंग एक्टिविटीज इन टेंसेस. टेंसेस के माध्यम से एक्टिविटीज करके एक मिनट में 60 सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं ये हम पढ़ रहे हैं. और इससे पहले हमने कई सारी एक्टिविटीज भी की है, लेकिन आज हमें सिंपल फ्यूचर टेंस के माध्यम से एक मिनट में 60 सेंटेंसेस बनाने हैं. मैडम, यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर लिखा है, आपको प्रैक्टिस करनी है. आँख बंद करके आपको एक मिनट में 60 सेंटेंसेस बनाने हैं. लेकिन टेंस कौन सा है मैडम? सर, ये सिंपल फ्यूचर टेंस है. लेकिन प्रैक्टिस करने से पहले क्या हमने ये टेंस पहले पढ़ा है? यस सर. और हमने 6 टाइप्स के साथ प्रैक्टिस की है. यस सर. हर एक टाइप की डेफिनेशन आपको पता है. यस. एक मिनट में अगर आप 60 सेंटेंसेस बना सकते हो तो 10 मिनट में आप कितने सेंटेंसेस बना सकते हो? नियर अबाउट 600 सेंटेंसेस हम स्ट्रक्चर के माध्यम से बना सकते हैं. हम सिर्फ टेंसेस पढ़ते नहीं है, एक्टिविटीज करते हैं, सेंटेंसेस बनाते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं. अगर सिंपल फ्यूचर टेंस हमें बनाना है तो इसका फॉर्मूला क्या है मैडम? सर, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में हमें विल यानी कि मॉडल रखना होता है, उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है. विल और शाल हम रख सकते हैं, यहाँ पे आई शाल वी शाल हम ऐसा भी बोल सकते हैं. लेकिन इसका मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, प्रैक्टिस करने से पहले हमारे दर्शकों को आप बता सकते हो? सर, इसका यूज हम भविष्य में होने वाली किसी भी क्रिया के लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे. जैसे कल मैं उठूंगी, कल मैं गाऊंगी, कल मैं खेलूंगी, एटसेट्रा. जैसे वो जाएगा, वो आएगी, मैं आपको कल कॉल करूंगा. लेकिन टाइप टू है, क्या इसे भी डेफिनेशन होती है? यस सर. कोई भी क्रिया जब भविष्य काल में नहीं होगी तब हम इस टेंस का यूज करते हैं. जैसे कल मैं नहीं खेलूंगी, कल मैं नहीं उठूंगी, कल मैं आपसे बात नहीं करूंगी, तो इसे भी डेफिनेशन होती है. लेकिन हमारे दर्शकों को यही भी पता नहीं है. अगर मैं बोलता हूँ विल यू प्ले, क्या आप खेलोगी, ये वर्बल क्वेश्चन है. yes. क्या इसे भी डेफिनेशन है? यस सर. कोई भी क्रिया जब हम क्या से स्टार्ट करते हैं, क्या से बनने वाले क्वेश्चन के लिए हम इस तरीके के स्ट्रक्चर का यूज करते हैं. अगर मुझे आपको पूछना है क्या आपकी कोई क्रिया भविष्य में घटित हो जाएगी, तो मैं इस टाइप का यूज कर सकता हूँ. क्या आप खाओगी, क्या आप पास होगी. और ये नेगेटिव वर्बल क्वेश्चन है. इसका जो फॉर्मेट है हम कैसे बना सकते हैं? शैल आई नॉट प्ले या शांट आई प्ले, ऐसा भी बना सकते हैं. विल यू नॉट प्ले या वोंट यू प्ले, शॉर्ट टर्म फॉर्म हम यहाँ पे रख सकते हैं. ये कौन सा टाइप है मैडम? सर, ये WH का सकारात्मक टाइप है. व्हाट विल यू प्ले, आप क्या खेलोगी, एंड आप क्या नहीं खेलोगी, व्हाट वोंट यू प्ले. तो दोस्तों, हमने ये टेंस पहले पढ़ा है, 6 टाइप्स के साथ पढ़ा है. अगर आपने ये टेंसेस पढ़े है तो क्या आप ऐसे सेंटेंसेस तुरंत ट्रांसलेट कर सकते हो? क्या आप खाओगे, हम नहीं खाएंगे, क्या वो लड़का जाएगा, वो कहां पे जाएगा, वो किधर जाएगा, क्या वो आएगा. और इसके साथ हम डिफरेंशिएट भी करेंगे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर में. तो मैडम, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, आंख बंद करनी है, और एक मिनट में आपको 60 सेंटेंसेस बनाने हैं. और आपका जो वर्ब है वो प्ले है. आर यू रेडी? यस सर. कम ऑन, स्टार्ट. आई विल प्ले, वी विल प्ले, यू विल प्ले, यू विल प्ले, दे विल प्ले, ही विल प्ले, शी विल प्ले, इट विल प्ले, राम विल प्ले, श्याम विल प्ले. आई विल नॉट प्ले, वी विल नॉट प्ले, यू विल नॉट प्ले, यू विल नॉट प्ले, दे विल नॉट प्ले, ही विल नॉट प्ले, शी विल नॉट प्ले, इट विल नॉट प्ले, राम विल नॉट प्ले, श्याम विल नॉट प्ले. शैल आई प्ले, शैल वी प्ले, विल यू प्ले, विल यू प्ले, विल दे प्ले, विल ही प्ले, विल शी प्ले, विल इट प्ले, विल राम प्ले, विल श्याम प्ले. शैल आई नॉट प्ले, शैल वी नॉट प्ले, विल यू नॉट प्ले, विल यू नॉट प्ले, विल दे नॉट प्ले, विल ही नॉट प्ले, विल शी नॉट प्ले, विल इट नॉट प्ले, विल राम नॉट प्ले, विल श्याम नॉट प्ले. व्हाट शैल आई प्ले, व्हाट शैल वी प्ले, व्हाट विल यू प्ले, व्हाट विल यू प्ले, व्हाट विल दे प्ले, व्हाट विल ही प्ले, व्हाट विल शी प्ले, व्हाट विल इट प्ले, व्हाट विल राम प्ले, व्हाट विल श्याम प्ले. व्हाट शैल आई नॉट प्ले, व्हाट शैल वी नॉट प्ले, व्हाट विल यू नॉट प्ले, व्हाट विल यू नॉट प्ले, व्हाट विल दे नॉट प्ले, व्हाट विल ही नॉट प्ले, व्हाट विल शी नॉट प्ले, व्हाट विल इट नॉट प्ले, व्हाट विल राम नॉट प्ले, व्हाट विल श्याम नॉट प्ले. वेरी गुड मैडम. मैं खेलूंगा, आई विल प्ले, आप खेलोगी, यू विल प्ले, लेकिन आपका लड़का नहीं खेलेगा, बट योर सन विल नॉट प्ले. क्या आप खेलोगी, विल यू प्ले, क्या आपका लड़का खेलेगा, विल योर सन प्ले, क्या आपका लड़का नहीं खेलेगा, विल योर सन नॉट प्ले, या वोंट योर सन प्ले, आपका लड़का क्या खेलेगा, व्हाट विल योर सन प्ले, आपका लड़का कौन सा खेल खेलेगा, विच गेम विल योर सन प्ले, आपका लड़का क्यों खेलेगा, व्हाई विल योर सन प्ले, आपका लड़का क्यों नहीं खेलेगा, व्हाई वोंट योर सन प्ले, या व्हाई विल योर सन नॉट प्ले. मैडम, मैं जाऊंगा, आई विल गो, लेकिन आप नहीं जाओगी, बट यू विल नॉट गो. क्या आप जाओगी, विल यू गो, क्या आप नहीं जाओगी, विल यू नॉट गो, आप कहाँ पे जाओगी, वेयर विल यू गो, एंड आप कहाँ पे नहीं जाओगी, वेयर वोंट यू गो. वेरी गुड. मैं खेलूंगा, आई विल प्ले, लेकिन मैं नहीं खेलूंगा, बट आई विल नॉट प्ले. क्या मैं खेलूंगा, शैल आई प्ले, क्या मैं नहीं खेलूंगा, शैल आई नॉट प्ले, या शांट आई प्ले. मैं क्या खेलूंगा, व्हाट शैल आई प्ले, और मैं क्या नहीं खेलूंगा, व्हाट शांट आई प्ले. वेरी गुड मैडम. तो हमें नेक्स्ट एक्टिविटी क्या करनी है, एक टेंस के हमें 6 टाइप्स बनाने हैं. कौन सा भी टेंस दोस्तों अगर आपको पढ़ना है उसके 6 टाइप्स भी आपको आने चाहिए. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मातृभाषा में पहले समझ लेंगे. अगर मैडम मैं बोलता हूँ वो लड़का खेलेगा, इसके हिंदी में 6 टाइप्स कैसे बनेंगे, वो लड़का खेलेगा, वो नहीं खेलेगा, क्या वह खेलेगा, क्या वह नहीं खेलेगा, वो क्या खेलेगा, वो क्या नहीं खेलेगा.
इसी को आपको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है. He will play, he will not play, will he play, won't he play, what will he play, what won't he play. Very good. वो लड़की जाएगी. छह टाइप्स बनाओ. वो लड़की जाएगी, वो लड़की नहीं जाएगी, क्या वो लड़की जाएगी, क्या वो लड़की नहीं जाएगी, वो लड़की कहाँ जाएगी, वो लड़की कहाँ नहीं जाएगी. She will go, she will not go, will she go, won't she go, where will she go, where won't she go. Where won't she go. तो आप भी मेरी टेस्ट ले सकती हो. Yes sir. तो मैं आपको यहाँ पे वर्क देती हूँ ईट. तो मुझे प्रैक्टिस करनी है. Yes. और एक मिनट में 60 सेंटेंसेस बनाने हैं. तो यहाँ से स्टार्ट करूंगा और मैं वहाँ पे जाके रुकूंगा. क्या एक मिनट में 60 सेंटेंसेस हो जाएंगे मैडम? Yes, sir. यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, ऐसे 6 टाइप्स के साथ हम 60 सेंटेंसेस बनाएंगे. तो मुझे वर्ब मिलता है इट. आई विल इट, वी विल इट, यू विल इट, यू विल इट, दे विल इट, ही विल इट, शी विल इट, इट विल इट, राम विल इट, श्याम विल इट. आई विल नॉट इट, वी विल नॉट इट, यू विल नॉट इट, यू विल नॉट इट, दे विल नॉट इट, ही विल नॉट इट, शी विल नॉट इट, इट विल नॉट इट, राम विल नॉट इट, श्याम विल नॉट इट. शैल आई इट, शैल वी इट, विल यू इट, विल यू इट, विल दे इट, विल ही इट, विल शी इट, विल इट इट, विल राम इट, विल श्याम इट. शैल आई नॉट इट या शांट इट, ऐसे भी प्रैक्टिस में कर सकता हूं. Shall I not it? Shall we not it? Will you not it? Will you not it? Will they not it? Will he not it? Will she not it? Will it not it? Will Ram not it? Will Sham not it? What shall I eat? What shall we eat? What will you eat? What will you eat? What will they eat? What will he eat? What will she eat? What will it eat? What will Ram eat? What will Sham eat? What shall I not eat? Yeah, what shan't I eat? ऐसे भी प्रैक्टिस में कर सकता हूं. What shall I not eat? What shall we not eat? What will you not eat? What will you not eat? What will they not eat? What will he not eat? What will she not eat? What will it not eat? What will Ram not eat? What will Sham not eat? ओके सर, अब मैं आपसे कुछ सेंटेंसेस बोलती हूँ, आप उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए. यस मैडम. वह लड़का स्कूल जाएगा. ही विल गो टू स्कूल. वह लड़का स्कूल नहीं जाएगा. ही विल नॉट गो टू स्कूल. क्या तुम स्कूल जाओगे? विल यू गो टू स्कूल. क्या वह स्कूल नहीं जाएगा? विल ही नॉट गो टू स्कूल या वोंट ही गो टू स्कूल. वह लड़का स्कूल कब जाएगा? व्हेन विल ही गो टू स्कूल. वह लड़का कहाँ जाएगा? वेयर विल ही गो. वह लड़का कहाँ नहीं जाएगा? वेयर वोंट ही गो या वेयर विल ही नॉट गो. तुम पत्र लिखोगे? यू विल राइट अ लेटर. तुम पत्र नहीं लिखोगे? यू विल नॉट राइट अ लेटर. क्या गीता पत्र लिखेगी? विल गीता राइट अ लेटर. क्या गीता पत्र नहीं लिखेगी? विल गीता नॉट राइट अ लेटर. वह क्या लिखेगी? व्हाट विल गीता राइट. वह क्या नहीं लिखेगी? व्हाट वोंट शी राइट. ओके सर, इसी तरीके से मैं आपकी 6 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की भी एक टेस्ट लेती हूं. यस मैडम, प्लीज. मैं आपको हिंदी में बोलूंगी और आपको 6 टाइप्स हिंदी में ही बनाने हैं. यस. तुम स्कूल जाओगे? तुम स्कूल में जाओगे? तुम स्कूल में नहीं जाओगे? क्या तुम स्कूल में जाओगे? क्या तुम स्कूल में नहीं जाओगे? तुम कहाँ पे जाओगे? तुम कहाँ पे नहीं जाओगे? सर सेम है, मैं इंग्लिश में बोलती हूँ, 6 टाइप बनाइए. यू विल गो टू स्कूल. यू विल गो टू स्कूल. यू विल नॉट गो टू स्कूल. विल यू गो टू स्कूल. विल यू नॉट गो टू स्कूल या वोंट यू गो टू स्कूल. वेयर विल यू गो. वेयर वोंट यू गो या वेयर विल यू नॉट गो. Okay, I will write a letter. I will write a letter. I will write a letter. I will not write a letter. Shall I write a letter? Shall I not write a letter? What shall I write? What shan't I write? Okay sir. Friends, यह वीडियो आगे भी जारी है, please watch till the end. लेकिन आपके लिए एक बेस्ट ऑफर है. अगर आप हमारा 60 to 90 days spoken English course with 200 recorded video lectures हमारे You Can Speak It An app से बहुत ही कम कीमत में buy करते हो, तो आपको हमारी 4 किताबें आपके पते पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है. और हमारे बुक्स हैं द बेस्ट स्पोकन इंग्लिश बुक, ए टू जेड ग्रामर बुक, द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोकन इंग्लिश बुक एंड द बेस्ट बुक फॉर स्पेलिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड प्रोनाउंसिएशन. तो यह ऑफर कुछ ही दिनों तक सीमित है, आप उसका लाभ ले सकते हो. तो तुरंत आप हमारा यू कैन स्पीक इट एन ऐप इंस्टॉल करें. तो मैडम, नेक्स्ट एक्टिविटी हम करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस के माध्यम से. कल हम क्या क्या करेंगे या कोई भी व्यक्ति क्या क्या कर सकता है, इसके बारे में हम बता सकते हैं. सब्जेक्ट विल और शैल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है. तो आपको हमारे दर्शकों को बताना है कल आप क्या क्या करोगे. आर यू रेडी? यस सर. प्लीज. टुमारो आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. आई विल ब्रश माई टीथ. आई विल टेक अ बाथ. आई विल गो टू शूट. आई विल रिटर्न फ्रॉम शूट. आई विल हेल्प माई मदर. आई विल कुक फूड. आई विल डांस विद माई फ्रेंड्स. आई विल हेल्प माई मदर. आई विल स्टडी एट नाइट. आई विल वॉच टीवी. आई विल स्लीप एट night. आप कल क्या क्या नहीं करोगी हमारे दर्शकों को बताओ. I will not get up early in the morning. I will not brush my teeth. I will not take a bath. I will not help my mother. I will not read a newspaper. I will not watch TV. I will not help. Yes, my very mother. good. तो मैं आपको कुछ questions करूंगा. मैडम, क्या आप सुबह जल्दी उठोगी? Will you get up early in the morning? क्या आप खाना पकाओगी? Will you cook? क्या आप जाओगी? Will you go? क्या आप पढ़ाई करोगी? Will you study? आप पढ़ाई क्यों करोगी? Why will you study? आप किसके साथ पढ़ाई करोगी? With whom will you study? आप पढ़ाई क्यों नहीं करोगी? Why won't you study? क्या आप खाना पकाओगी? Will you cook food? हाँ सर, मैं खाना पकाऊंगी. Yes, I will cook food. Yeah, I will. Yes, I will cook food. Yeah, yes, I will. क्या वो लड़का जाएगा? Will he go? नहीं, वो नहीं जाएगा. No, he won't go. हाँ, वो जाएगा. Yes, he will go. क्या आप कल आओगी? Will you come tomorrow?
हाँ सर मैं आऊंगी. यस आई विल कम टुमारो. या यस आई विल. नहीं सर मैं नहीं आऊंगी. नो आई वॉन्ट कम टुमारो. क्या आप बैठोगी? विल यू सिट? हाँ सर मैं बैठूंगी. यस आई विल सिट. वो लड़का नहीं बैठेगा. बट ही विल नॉट सिट. क्या वो लड़का पास होगा? विल ही पास? नहीं वो पास नहीं होगा. नो ही वोंट पास. हाँ वो पास होगा. यस ही विल पास. तो स्ट्रक्चर्स में क्या है? आंसर सेट. तो फ्रेंड्स देखो हमने यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस की एक अलग एक्टिविटी की है. और भी एक्टिविटी बाकी है. कई सारे सेंटेंसेस लेके हम प्रैक्टिस करने वाले हैं. ऐसी कई सारी एक्टिविटीज हमारे पास है. इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि 6 टाइप्स के साथ टेंसेस पढ़ो, स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करो, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन का बेस परफेक्ट करो. क्योंकि अगर आपको अंग्रेजी बोलना है तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ये आपको ध्यान में रखना है. तो आगे के वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कई सारे वर्ब्स लेके हम प्रैक्टिस करने वाले हैं. लेकिन अगर आपको ये प्रैक्टिसेस नहीं आते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है. हमारा यू कैन स्पीक इट एन ऐप इंस्टॉल करना है. हमारे ऐप में जाकर वहाँ पे 200 वीडियोस को सीक्वेंस वाइज देखने हैं. क्योंकि यह टेंस हमने पहले पढ़े हैं. टेंसेस नहीं है, एक्टिव वाइज है, पैसिव वाइज है, मॉडल्स है, कंजक्शन है, ऐसी कई सारी एक्टिविटीज है. और ऐसे स्ट्रक्चर्स आप लिख नहीं सकते हो. इसलिए हमने आपके लिए 4 बुक्स प्रिपेयर किए हैं और वो किताबें भी बहुत ही अच्छी है. अगर आप हमारा 60-90 डेज का स्पोकन इंग्लिश का कोर्स बहुत ही कम कीमत में परचेस करते हो तो 4 बुक्स हम आपके पते पे भेजते हैं. उसी के साथ अगर आपको यह प्रैक्टिसेस मैडम के साथ मेरे साथ करनी है तो आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी ज्वाइन हो सकते हो. बहुत ही कम फीस में हम आपके ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं. और एक जरूरी बात है, किसी भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए हमने आपके लिए A to Z ग्रामर विद राइटिंग स्किल का कोर्स बनाया है. बहुत ही अच्छा कोर्स है. हमारे ऐप में जाओ, पहले डेमो वीडियोस देखो, ट्रस्ट करो, उसके बाद ही हमारा हर कोई कोर्स आप परचेस कर सकते हो. और हमारे कोर्सेस की कीमतें भी बहुत ही कम है. तो दोस्तों मिलते हैं आगे के वीडियो में. वहां पे हम कई सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे.